उनके पास ज़्यादा डेटा अवेलेबल रहेगा। जिस कंपनी के पास या जिस देश के पास सबसे ज़्यादा डेटा और एक्यूरेट डेटा होगा वो सबसे ज़्यादा पावरफुल। व्हाट्सएप का मॉडर्न वर्जन बहुत सारे अवेलेबल है इंटरनेट पे आज के डेट में, जैसे GB व्हाट्सएप, व्हाट्सएप प्लस, व्हाट्सएप गोल्ड एक्सेट्रा, बहुत सारे अवेलेबल है। और उसको जब इस्तेमाल लोग करते हैं तो देखते हैं कि व्हाट्सएप से ज़्यादा फीचर वहाँ पे अवेलेबल रहता है। ऐसे में आपके लिए बेहद ज़रूरी है समझना कि क्या GB व्हाट्सएप या इसके जैसे और भी जो एप्लीकेशन है वो सब इस्तेमाल करना आपके लिए सेफ है या नहीं, क्या व्हाट्सएप इसको सच में बैन कर देगा, और साथ ही साथ इसके फायदे क्या है और इसके सबसे ज़्यादा जो नुकसान होते हैं वो क्या है, आपके लिए समझना बहुत बहुत ज़रूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि हो सकता है कि अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, आपके पास स्मार्टफोन होगा, तो शायद आपके मोबाइल में शायद क्या कंफर्म है कि व्हाट्सएप जरूर होगा। अपने देश में व्हाट्सएप का यूजर जो है लगभग 48 से 50 करोड़ के बीच में है, जो रिसेंट डाटा है उसके अनुसार। अब इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि व्हाट्सएप कितना ज़्यादा पॉपुलर है, और इसके साथ साथ धीरे धीरे जो पॉपुलरिटी मिल रहा है वो मिल रहा है इसके मॉडर्न वर्जन का, जिसमें होता क्या है कि व्हाट्सएप के जैसा ही एप्लीकेशन रहता है जो कि प्ले स्टोर पर नहीं मिलता है, किसी अदर वेबसाइट पर मिलता है, वहाँ से APK लोग डाउनलोड करते हैं, और व्हाट्सएप के साथ साथ व्हाट्सएप का एक्स्ट्रा फीचर उसमें अवेलेबल हो जाता है, जो फीचर व्हाट्सएप शायद फ्यूचर में लाएगा या शायद फ्यूचर में नहीं भी लाएगा, जल्दी नहीं लाएगा, वैसे वैसे फीचर यहाँ पे अवेलेबल होते हैं। तो लोगों को लगता है कि चलो यार, इससे जो भी दूसरे व्हाट्सएप यूजर है उसको मैसेज तो जा ही रहा है, तो क्यों ना GB व्हाट्सएप, व्हाट्सएप प्लस, व्हाट्सएप गोल्ड एक्सेट्रा जो भी है उसी का इस्तेमाल किया जाए। जबकि रिसेंटली व्हाट्सएप ने ये इन्फॉर्मेशन दे दिया है कि जो लोग इसके दूसरे मॉडर्न वर्जन इस्तेमाल कर रहे होंगे उनके नंबर को व्हाट्सएप पे बैन कर दिया जाएगा, शुरुआत में टेम्पररी बैन किया जाएगा, और फिर भी आदत से मजबूर रहेंगे लोग तो उनके नंबर को परमानेंट बैन कर दिया जाएगा। तो पहली बात कि यहाँ पे व्हाट्सएप ने ऑफिशियली बोला है, और ये जो है व्हाट्सएप का ऑफिशियल वर्जन अगर आप इस्तेमाल नहीं करते हैं तो आपको सबसे बड़ा रिस्क कहाँ है पता है? पहले फायदे तो समझ लिए ना, फायदे यही हैं कि आपको जो व्हाट्सएप से ज़्यादा फीचर इसके मॉडर्न वर्जन में मिलेंगे, लेकिन नुकसान कितना बड़ा है इसको समझने के लिए थोड़ा सा डिटेल समझना है कि अभी रिसेंटली आप गौर कर रहे होंगे कि अब बहुत सारे देश में डेटा वार होना शुरू हो जाएगा। अब जो है न्यू ऑयल कह सकते हैं, न्यू फ्यूल कह सकते हैं, वो डेटा होने वाला है। डेटा इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि बड़ी बड़ी कंपनियां में होर लगा हुआ कि कैसे उनके पास इंटरनेट यूजर का ज़्यादा से ज़्यादा डेटा कलेक्ट किया जा सके, उनके पास ज़्यादा डेटा अवेलेबल रहेगा। जिस कंपनी के पास या जिस देश के पास सबसे ज़्यादा डेटा और एक्यूरेट डेटा होगा वो सबसे ज़्यादा पावरफुल, वो सबसे ज़्यादा ग्रोथ वाला कंपनी कहलाएगा। आज के डेट में गूगल क्यों इतना ज़्यादा पॉपुलर है? इसीलिए क्योंकि इसने शुरू से डेटा कलेक्ट किया, और डेटा कलेक्ट करने के अनुसार उसने प्रोडक्ट को लॉन्च किया और हमेशा बेनिफिट में रहा। तो क्या आप सोचते हैं जब ये डेटा वार होगा तो डेटा का वैल्यूएशन इतना ज़्यादा हो रहा है, वैल्यू इतना ज़्यादा बन रहा है, ऐसे में जो दूसरे जो डेवलपर होंगे या अदर लोग होंगे, क्या वो डेटा कलेक्ट करने के नए नए जरिए नहीं मतलब खोजेंगे? खोजेंगे। तो वो जो जरिया खोजेंगे, ऐसे अगर सिंपली एक एग्जाम्पल लिया जाए कि मैं एक एप्लीकेशन बनाता हूँ, आपको मैं कहता हूँ इस्तेमाल करिए, बहुत सारे फायदे हैं, लेकिन उस एप्लीकेशन का फायदा मुझे ये मिलेगा कि आपके पास जो भी डेटा होगा मन मुताबिक सारा का सारा कलेक्ट मैं कर सकता हूँ। आप 10 गाली नहीं, दुनिया के जितने गाली होंगे ना सब गाली दे डालेंगे। क्यों डालेंगे? क्योंकि आपको पता चल जाएगा कि मैं आपका डेटा कलेक्ट कर रहा हूँ, और आज के डेट में प्राइवेसी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ऐसा नहीं रहता तो राइट टू प्राइवेसी नहीं आता। आप कभी गौर से इस बात को समझने की कोशिश करिए, अगर प्राइवेसी इतना मायने नहीं रखता तो हम और आप जब कोई चीज़ बात करने चलते हैं दो लोग के बीच, अगर तीसरा बगल से क्रॉस करता है तो चुप हो जाते हैं, कहीं वो सुन न ले। लेकिन मोबाइल आज के डेट में है कि 24 घंटा इंटरनेट कनेक्ट रहता है, हम लोग छोड़े रहते हैं, ऐसे में वो सुनने के लिए पूरा फ्री रहता है। अगर इस जो मॉडर्न एप्लीकेशन है इसके जैसे एप्लीकेशन आपके फ़ोन में है तो क्या होगा? एप्लीकेशन इंस्टॉल करेंगे, आपको क्या मतलब लग रहा है कि व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप का मॉडर्न वर्जन है, तो सारे परमिशन देना जरूरी है। क्यों? क्योंकि कॉल जाएगा व्हाट्सएप कॉल तभी परमिशन, तो कॉल का परमिशन देना जरूरी है, मतलब माइक आपका एक्टिवेट रहेगा। SMS का परमिशन देना जरूरी हो जाएगा, मेमोरी स्टोरेज का देना हो जाएगा, लोकेशन दे भी सकते हैं, शायद लोकेशन बंद भी कर, लेकिन तीन चीज़ देंगे तो फ़ोन में बचेगा क्या? कैमरा देंगे ही देंगे, तो वो जब चाहे इंटरनेट कनेक्टिविटी है आपको पता भी नहीं चलेगा और वो कैमरा एक्टिवेट रहेगा।
कैमरा जब एक्टिवेट रहेगा तो ऐसे में वो वीडियो भी रिकॉर्ड कर सकता है, अगला पर्सन डेटा ले सकता है, फोटो भी कैप्चर कर सकता है, इसके साथ साथ माइक रहेगा तो माइक से जो जो भी बात कर रहे हैं वो डेटा कलेक्ट कर सकता है, टेक्स्ट में जो आप लिख रहे हैं, जो भी कीबोर्ड पर टाइप कर रहे हैं वो डेटा कलेक्ट किया जा सकता है। ओवरऑल ये कहे कि आपके फ़ोन का पूरा कंट्रोल जो है अगले पर्सन के पास, वो डेटा आपके जैसे बहुत सारे लोगों के पास होगा, सब कलेक्ट किया जा रहा होगा, सबका कलेक्ट कर रहा होगा, इसीलिए व्हाट्सएप ने इसको अनाउंस किया। और मैं एक बात आपसे पूछना चाहता हूँ, आप जो जीबी व्हाट्सएप, व्हाट्सएप प्लस किस लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं? इसीलिए ना कि व्हाट्सएप में जो फीचर नहीं है उससे ज़्यादा फीचर इस एप्लीकेशन में अवेलेबल है, जबकि व्हाट्सएप ऑफिशियली बोला है कि वो सब एप्लीकेशन जो है डेटा चोरी भी कर सकता है, आप रिस्क में भी आ सकते हैं। व्हाट्सएप क्यों ज़्यादा पॉपुलर है? क्योंकि इंड टू इंड इंक्रिप्शन देता है, यहाँ पे बहुत सारे फीचर अवेलेबल कराते हैं, पूरे सपोर्ट है, इसके पीछे एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन है और रिस्पॉन्सिबल कंपनी है, जहाँ पे आपको कोई दिक्कत होता है तो आप कोर्ट में जा सकते हैं, उसके खिलाफ जो है मतलब एक्शन भी जो कोर्ट लिया जा सकता है या गवर्नमेंट ले सकते हैं। लेकिन जीबी व्हाट्सएप, व्हाट्सएप प्लस, व्हाट्सएप गोल्ड पता नहीं कितने आते हैं, ये आज है कल गायब हो जाएंगे आपके डेटा को लेकर के, आप घूमते रह जाएंगे, बहुत सारे सेंसिटिव डेटा रहेगा। चलिए इतना तो हो गया, अब रही बात फीचर की, इतना चिंता है ना आपको, बहुत सारे फीचर लेते हैं, तो मैं हमेशा से कहता हूँ व्हाट्सएप के पैरेलल में फीचर के मामले में टेलीग्राम सबसे मस्त एप्लीकेशन है। जो फीचर शायद फ्यूचर में व्हाट्सएप लाएगा वो फीचर ऑलरेडी टेलीग्राम में अभी एग्जिस्ट है, सीक्रेट चैट शायद व्हाट्सएप लाए या मतलब कि लाने की कोशिश करे। इसके अंदर मैसेज जो अनलिमिटेड टाइम तक का, कोई टाइम का बाउंडेशन नहीं है, आप अपने साइड तो मैसेज डिलीट कर ही सकते हैं लेकिन अगले के साइड वाला मैसेज भी आप डिलीट कर सकते हैं, मतलब कि आप अपने ही फ़ोन में नहीं, अगले के फ़ोन में अगर आप और मतलब कि अगला पर्सन दो बीच बात कर रहे हैं तो दोनों का चैट कम्प्लीट क्लियर हो जाता है। इसके बाद आपको स्टोरेज के लिए जो है सेव मैसेज जो रहता है वो सब, मतलब कि कितने फीचर हैं ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया एक वीडियो में कि टेलीग्राम में कितने सारे फीचर होते हैं, तो ये सब छोड़िए, आप रिस्क जोन में हैं अगर जीबी व्हाट्सएप या इसके जैसे एप्लीकेशन के इस्तेमाल कर रहे हैं। हमेशा याद रखिए कि आज के डेट में इतना ज़्यादा इंटरनेट पर जो लोग डिपेंड हो रहे हैं, ऐसे में आपकी सेफ्टी इसी में है कि आपके फ़ोन में जो भी एप्लीकेशन है, जो भी एप्लीकेशन है अगर ट्रस्टेड नहीं है तो उसके परमिशन वाले सेटिंग में जाकर, सेटिंग में जो परमिशन होता है जाके देखिए कि वो एप्लीकेशन कौन कौन सा परमिशन ले रहा है। अगर कोई एप्लीकेशन जिस पे आप ट्रस्ट नहीं कर सकते, उसके पीछे कोई जो है लीगल कंपनी नहीं है, जिस पे कोई एक्शन या कभी उसके मतलब हेड ऑफिस पहुँचा नहीं जा सकता है, तो ऐसे में उस एप्लीकेशन का परमिशन में अगर माइक हो, इसके बाद जो है कैमरा हो, कॉन्टैक्ट हो, मैसेज हो और इसके अलावे जो है आपका मेमोरी स्टोरेज हो, ये सब होता है तो अलर्ट हो जाइए, ऐसे एप्लीकेशन को परमिशन बंद करिए और जो इम्पोर्टेंट है उतना ही परमिशन दीजिए। तो अब आप बताइए, क्या आप इस वीडियो को देखने के बावजूद भी जीबी व्हाट्सएप, व्हाट्सएप प्लस, व्हाट्सएप गोल्ड इस्तेमाल करेंगे? कमेंट का मैं वेट करूंगा, ताकि मैं समझने की कोशिश करूंगा कि आप लोगों को जो है व्हाट्सएप का ऑफिशियल इस्तेमाल करने में मन लग रहा है या इसके मॉडर्न वर्जन को इस्तेमाल करने में मन लग रहा है।